प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश भर में 1 करोड़ सेल्फी कैंपेन चलाएगी भाजपा। उज्ज्वला आयुष्मान योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाओं को जोड़ा जाएगा। मेघालय नागालैंड में वोटिंग शुरू। मेघालय में 60 और नागालैंड में 59 सीटों पर मतदान। अरुणाचल से गुजरात तक भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी कांग्रेस। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया गिरफ्तार। शराब नीति केस में सीबीआई ने 8 घंटे पूछताछ की थी। रामदास अठावले ने उद्धव ठाकरे पर कसा तंज। बोले शिवसेना की परेशानियों के लिए उद्धव जिम्मेदार। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। साध्वी प्राची रविवार को फिरोजाबाद पहुंची। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और विपक्ष पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए कहा कि 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष के लोग गलत बयानबाजी कर माहौल खराब करने का काम करते हैं। देश का हिंदू बहुत अच्छे से जाग चुका है। आने वाले समय में हिंदू विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देगा। विपक्ष मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, अमेठी से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी कहां गए थे, यही हाल इनका होगा। हमें विश्वास है कि मोदी जी आएंगे। मैं आज से नहीं, मैं लगभग 30-35 सालों से बराबर समाज के अंदर इस बात को उठाती रही। हर मंच पर प्रयास किया है। भाई ये हिंदू राष्ट्र है। मुझे बताइए पत्रकार बंधुओं, जब मेरे देश का विभाजन हुआ तो वो धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए था, इनको पाकिस्तान मिल चुका था। तो हिंदुस्तान जब हमें मिला, हिंदुओं को मिला, तो मैं पूछना चाहती हूँ जो लोग इस पर आपत्ति करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र था या नहीं था? हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। रही बात घोषणा की, हमें तो अखंड भारत चाहिए। हमने तो मांग की है हिंदुस्तान, हमें अखंड भारत वही चाहिए। माँ भारती का वो भारत, भारत माता की पूजा वाला भारत, वही भारत चाहिए। अच्छा, लव जिहाद के मामले भी काफी बड़े हैं। मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को ले जाते हैं, दुराचार किया जाता है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। इतने प्रकरण बढ़ते जा रहे और इन 5-7 सालों में तो देख कर के मैं भी दंग रह गई। इतने प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं, मेरे सामने भी हर दूसरे दिन नया केस। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को जेल से भगाने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार। निखत बानो की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रविवार को चित्रकूट पुलिस पूछताछ के लिए गाजीपुर पहुंची। पुलिस ने चित्रकूट और बांदा पुलिस ने एक साथ छापेमारी कर 4 घंटे तक छानबीन की। इस दौरान पुलिस ने निखत के ड्राइवर नियाज के घर पर छापेमारी कर परिवार वालों से पूछताछ की। इस दौरान मौके पर पूर्व विधायक शिवगतुल्लाह अंसारी भी मौजूद रहे। हालांकि किस किस से पुलिस ने पूछताछ की, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। औरैया के शहर कोतवाली के मोहल्ला ब्रह्मानगर में नवविवाहिता महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या की। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक वासीओ सिटी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मृतिका के परिजनों को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने पत्नी को फांसी के फंदे से टंगा देख कर उनके होश उड़ गए और चीख पुकार शुरू हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना कोतवाली के ब्रह्मनगर मोहल्ले में एक तो महिला जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस पर और मैं मौके पर हम लोग आए हुए हैं।
और डेड बॉडी को जो है पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर कार के ऊपर चढ़कर म्यूजिक बजा के पूरा ट्रैफिक जाम करते नवयुवकों का वीडियो वायरल हुआ था। इतना ही नहीं, वो कार के ऊपर से फोग को फेंक रहे थे, जिससे आते जाते दो पहिया वाहन चालकों को दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा उन्होंने थार को रोड पर डांसिंग कार बना रखा था, जिससे ट्रैफिक अस्त व्यस्त था। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया और कई लोगों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ युवक कार के ऊपर बैठे हुए हैं तथा तेज आवाज में म्यूजिक बजाते हुए कार को असहज ढंग से चला रहे हैं। प्राप्त वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच की गई तो यह पाया गया कि यह वीडियो दाशना थाना वेब सिटी का है। उक्त युवक दाशना में मोदी नगर से एक बारात में आए हुए थे। वाहन को तत्काल MB एक्ट के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सीज कर दिया गया है तथा युवकों के विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ जिले के अतरौली क्षेत्र में 15 साल की एक दलित लड़की का शव उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी से लटकता पाया गया। वहीं परिजनों ने इसकी हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने सूत्रों के मुताबिक रविवार को बताया कि अतरौली थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव में शनिवार की शाम 15 वर्षीय एक दलित लड़की का शव उसके घर में फांसी से लटकता पाया गया था। उसके परिजन जब खेत में काम करके घर लौटे तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सर, क्या मामला है? कल दिनांक 25 फरवरी 2023 को थाना अतरौली अंतर्गत भोजपुरा गांव में एक महिला की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को ज्ञात हुआ प्रथम दृष्टया महिला द्वारा आत्महत्या की गई है। सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य एवं साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। पंचायतनामा भरवा कर बॉडी को PM के लिए भेजा गया है। तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परिवार में मैं गई मेहनत करी हुई आलू बीने पर गई तो 1 बजे मेरी लाली ने फोन करवाया। क्या नाम था उसका? नीसा नाम। कितनी उम्र होगी उसकी? 16 साल की है बस। 16 साल की है। क्या घटना हुई है उसके साथ? तो आज तुम तो जानकारी फोन करो। मैंने फोन करवाया तो उन्होंने कह रही अभी मैं 3 बजे आऊंगी रुचि का काट में। तो फिर मैंने 3 बजे फोन, वो 4 बजे फोन लगाया है, 3 बजे भी बात करी है तो 3 बजे भी कह रही है अभी मैं आ रही हूँ। मैं ठीक है आ जाइय। फिर मैं 4 बजे फोन कर रहा हूँ तो कोई ने फोन उठाया। मैं गई मेहनत करी हुई आलू बीने में, आलू बीने पर गई तो 1 बजे मेरी लाली ने फोन करवाया। क्या नाम था उसका? नीसा नाम। कितनी उम्र होगी उसकी? 16 साल की है बस। 16 साल की है। क्या घटना हुई है उसके साथ? तो आज तुम जानकारी फोन करो। मैंने फोन करवाया तो उन्होंने कह रही अभी मैं 3 बजे आऊंगी रुचि का काट में। तो फिर मैंने 3 बजे फोन, वो 4 बजे फोन लगाया है, 3 बजे भी बात करी है तो 3 बजे भी कह रही है अभी मैं आ रही हूँ। मैं ठीक है आ जाइय। फिर मैं 4 बजे फोन कर रहा हूँ तो कोई ने फोन उठाया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।